कर्नल जी, खाद्य तेलों को लेकर भी बड़ा फैसला आया है कि सरकार ने 2 साल के लिए खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अब आपको क्या लगता है इस फैसले से खाद्य तेलों के बाजार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि खाद्य तेलों की तेजी मंदी का भारत के पास कोई रास्ता नहीं है कंट्रोल करने का। जो उसके पास कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि अपने आयात शुल्क कम कर दें, हटा दें, बस यही तय कर सकता है। क्योंकि ना तो खपत हमारा देश रोक सकता है कंजम्पशन, ना पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ा सकता। वो एक ग्रेजुअली इंक्रीज होती है पैदावार की। तो जब तक कोई तिलहन का उत्पादन में देताशा वृद्धि नहीं हो, जैसे स्वामीनाथन जैसा कोई व्यक्ति आए और हरित क्रांति करे और वो गेहूं के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कर बन के जिस तरह से हो, उस तरह से यदि कोई भागीरथी प्रयास होगा तो कुछ फर्क होगा। बाकी आपके आयात शुल्क हटाने से या कृषि टैक्स हटाने से, 20-20 लाख टन के इंपोर्ट करने से, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितना आप घटाओगे उतना रेट वो बढ़ा देंगे जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर वही घूम फिर कर हम वहीं पे आ जाते हैं कि भाव हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। आप देखिए, प्याज के अंदर अभी आपने देखा हो, पिछले साल प्याज के अंदर भारत सरकार ने 2 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था तेजी को देखते हुए पिछले सालों की। और जो 500-600 रुपए किलो टन क्विंटल का प्याज था, वो 3,000-3,200 रुपए क्विंटल बिका 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के बावजूद। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई के खेल हैं। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो भाव हैं उनको जब तक आप नहीं अपने हिसाब से देखेंगे। एक और आप देखें, अभी भारतीय रुपया 78 रुपए तक हुआ यूएस डॉलर के बनस्पत। तो जो आप इंपोर्ट कर रहे हो जी, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जी। तो जब आप रुपी जो आप कंट्रोल आपके आपके अंडर कमांड है उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो जो आप मामूली गिरावट जो आप शुल्क लगा रहे हो, ऑलरेडी आपने शुल्क कम कर दिया था जनवरी के 2022 के जनवरी के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? 1020 का सोया तेल 1700 बिका जी। तो पॉइंट यही है, मेरा यही कहना है सरकार से कि आप जब आप जो चीज आप इंपोर्ट करते हो उसके अंदर आपका रुपया बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि यदि भारतीय रुपया कमजोर होगा तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप रुपए के कमजोरी को रोको, नंबर वन। नंबर टू, आप तिलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ जी। नंबर थ्री, आप जब नीचे भाव होते हैं उसको सरकारी खरीद करिए। चाहे यदि किसान आपको नहीं दे रहा है तो आप खुद इंपोर्ट करके आप अपने भंडार भर लो, समस्या क्या है? नहीं, पैसा तो सरकार के पास है ही ना जी। उसने ईयर मार्क कर ही रखा है कि इतने हजार करोड़ हम सोयाबीन के लिए है, इतने हजार करोड़ हमारे पास बीज के लिए है, इतने हजार करोड़ हमारे दलहन पर है। तो यदि किसान नहीं दे रहा है तो सरकार खुद इंपोर्ट करके नीचे के भाव के अंदर आप उसका स्टोर कर लो, जैसे कच्चा तेल किया था जब 18-20 डॉलर आया था। तो ये चीजें सरकार को दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा, परंपरागत दृष्टि से नहीं देखना है। तभी यदि ये काबू होगी, यदि आपकी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप आपके पास स्टॉक होगा, चाहे व्यापारियों के पास हो चाहे सरकार के पास हो, आपके भाव आपकी उस वस्तु के भाव बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब भाव बढ़ जाते हैं उस वक्त आप सोकर उठोगे तो उसके उस ऐसी दशा में कुछ भी नहीं होगा। सेम थिंग कोयले पे हो रहा है। देखो, एक तरफ कर्नाटक से एक आयरन ओर की एक्सपोर्ट खोल दी है जो पिछले 8-9 साल से बंद थी, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर जो ड्यूटी घटा रहे हो। अरे जब निर्यात ही क्यों कर रहे हो जब आपके पास माल ऑलरेडी आपकी कृपा के पास है, तो फिर वहां से बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है जी। तो कुल मिला के यही कहना है कि सरकार नीतियों पर थोड़ा सा ख्याल करे और उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापारी और किसानों को भी देखे। कि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तीन गुनी करेंगे, जब उसको किसान को पैसा मिलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है जी। तो कहने का सिर्फ एक मकसद है कि सरकार को, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत है, वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के सबके हित के लिए वो काम करे,
तभी कोई बात बनेगी, अन्यथा ये कंफ्यूजन पैदा होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। जी अखिलेश जी जी।